नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंच झागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों आज बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान की, और जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा उसी मॉडल को डिस्कस करेंगे और काफ़ी खूबसूरत प्लान होने वाला है। अगर आप इस टाइप का प्लान चाहते हैं तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो आज के जो मॉडल है वो आपके सामने हम डिफाइन कर देते हैं प्रॉपर तरीके से। और दोस्तों मैं इसे आप बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी प्रकार के 2D मॉडल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट smallhouseplan.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ से इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट करके आप हमसे बात करिएगा और आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं हाउस क्रिएट करूँगा। तो आज का जो मॉडल होने वाला है उसे हम डिफाइन कर लेते हैं, इसके लिए आपको ले चलूँगा मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये देखिए दोस्तों, प्लान पूरा डिफाइन करने वाले हैं हम आपके सामने, काफ़ी खूबसूरत प्लान होने वाला है और इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे। आपने इसी का थंबनेल देखा होगा, मैंने उसे लाइट व्यू पर रेंडर किया था, इस वजह से आपको लाइट्स वगैरह दिख रही थी। ये मैंने सारी लाइट्स वगैरह हटा कर इसे डिफाइन करने वाला हूँ। तो अगर बात करें फ्रंट की, तो फ्रंट आपका ऐसा होने वाला है ग्रिल प्लस ये गांव में जो खफरेल का डिज़ाइन बनता है वो, और थ्री साइड दोस्तों क्लोज्ड है, आप देख सकते हैं साइड और बैक से क्लोज्ड, केवल फ्रंट से ही ओपन है, जिसमें आपको एक बेहतरीन सा पोर्च और डोर वगैरह देखने को मिलता है। तो बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर, मैं मैक्सिमम जूम कर देता हूँ जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू समझ में आ जाए। ऐसा टॉप व्यू भी पहले मैं दिखा ही देता हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें समझाने में मुझे बहुत ही आसानी हो। तो ये देखिए फ्रंट है, दो आपके पिलर हैं जिस पर एक ये बीम और इसके बाद चारों तरफ खफरेल का डिज़ाइन बना हुआ है। ये एक पोर्च एरिया आपको मैंने डिफाइन किया है, इसका ये मेन डोर है जहाँ से एंट्री करेंगे। दोनों साइड बेडरूम्स हैं तो आपको विंडो भी मैंने दिया है। जैसे आप अंदर जाते हैं तो एक राइट हैंड साइड पर आपको बेडरूम देखने को मिलता है, एक लेफ्ट हैंड साइड पर बेडरूम देखने को मिलता है। जैसे आप और आगे जाते हैं तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर भी एक बेडरूम मिलता है, ये आपको एक बड़ा सा किचन मिलता है। इधर आपकी स्टेयर्स मिलती हैं और उसके नीचे लेट एंड बाथ देखने को मिल जाता है। तो थ्री बेडरूम, बड़ा सा किचन, लेट बाथ, स्टेयर्स के साथ ग्राउंड फ्लोर पर ये चीज़ें मैंने क्रिएट की हैं, जिसमें एक बड़ा सा पोर्च भी मेंशन किया है मैंने। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते ही आपको कोई भी मैंने चेंजमेंट नहीं किया है, ये आगे जो आपका पोर्च था उसे एज अ बालकनी में कन्वर्ट कर दिया है, इसमें ग्रिल भी लगा दी है। और इधर मैंने बालकनी दोस्तों नहीं बनाई, अगर आप चाहते हैं लेफ्ट और राइट साइड बालकनी बनाना तो बना सकते हैं। और ऊपर ये खफरेल का डिजाइन, लास्ट में फिर से चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल और फ्रंट में ग्रिल का डिजाइन बनाकर मैंने दिया है। तो ओवरऑल बेहतरीन जो मॉडल आपके सामने बनकर रेडी हुआ है। अगर हम बात करें फ्रंट से एलिवेशन की, टॉप व्यू की, सारा डिटेल मैंने आपको समझाया। इसका 2D प्लान हमारी वेबसाइट smallhouseplan.com पर जाकर विजिट करें, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्लान आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मॉडल्स बनाने में काफ़ी समय लगता है। तो दोस्तों आप हमें सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए ऐसे नए नए डिज़ाइन, नए नए मॉडल्स बनाते रहेंगे। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि अगर आप पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमारी दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, मैं जिससे आपसे बात करूंगा। वो हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है, इसका विशेष ध्यान रखें कॉलिंग नंबर नहीं है, आपसे वहां पर कॉल नहीं लगेगा, केवल व्हाट्सअप पर ही हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम हाउस क्रिएट करेंगे, और उसके लिए आपको 50% पेमेंट पहले करना होगा, 50% बाद में, इसका विशेष ध्यान रखें। वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिएगा, एक नए मॉडल के साथ, नए एनर्जी के साथ लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।